हेलो डी स्टूडेंट्स, तिवारी एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास सिक्स का चैप्टर नंबर फिफ्थ। और इस चैप्टर नंबर फिफ्थ के अंदर आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस कंप्लीट वीडियो लेक्चर के अंदर पैसेज नंबर 13 के बारे में। देखिए, पैसेज नंबर 13 के अंदर आने वाले सभी इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स को भी हम कवर करेंगे। इसके साथ साथ इसके एक्सप्लेनेशन को भी कवर करेंगे। इस पैसेज के ऊपर बेस्ड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हो सकते हैं उनको भी हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है राहुल। तो चलिए पैसेज नंबर 13 को शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। पैसेज नंबर 13 के अंदर अगर आप देखें तो यहाँ लिखा हुआ है, डोंट यू हैव अ पीप, आई आस्क द गर्ल। ओ नो, से एक्सक्लेम्ड, दैट वुड बी चीटिंग, बट आई हैड नो आइडिया एट इट वॉज सो आयफुल टू बी ब्लाइंड। यू कॉन्ट सी द थिंग्स यू फील, यू आर गोइंग टू बी हिट बाय समथिंग एवरी मोमेंट। इट इज सच अ रिलीफ जस्ट टू सिट डाउन, आई यू हेल्प अस, काइंड टू यू आई आस्क। देखिए, यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से इन चीजों को लिखा हुआ है कि आई आस्क टू द गर्ल, डोंट यू एवर पीप। मैंने लड़की से पूछा, डोंट यू एवर पीप, क्या तुम कभी झांक कर नहीं देखती। सी एक्सक्लेम्ड एंड से ओ नो, दैट वुड बी चीटिंग। उसने कहा, ओ नो, यह धोखा होगा। लेकिन मुझे नहीं पता था कि नेत्रहीन होना इतना भयानक हो सकता है। वो कहती है कि बट आई डो आई हैड नो आइडिया इट वॉज सो एयरफुल टू बी ब्लाइंड, राइट। यू कॉन्ट सी द थिंग्स, आप चीज़ों को नहीं देख सकते, कुछ भी नहीं देख सकते। आपको लगता है, यू फील आर यू गोइंग टू बी हिट समथिंग एवरी मोमेंट, और आपको हर पल लगता है कि आप हर पल किसी ना किसी चीज से, किसी वस्तु से टकराने वाले हैं, और बैठ जाने में बहुत राहत मिलती है। इट इज सच अ रिलीफ जस्ट टू सिट डाउन। आई हेल्प अस, काइंड टू यू आई आस्क। मैंने पूछा कि जो आपके हेल्पर्स हैं, क्या जो आपकी लोग मदद कर रहे हैं, जो सहायक हैं, वो क्या आपके प्रति उदार हैं। ये था इसका एक्सप्लेनेशन। लेकिन इसके साथ साथ इसमें तीन मीनिंग्स भी दी हुई थी, एक था पीप, दूसरा एफुल, तीसरा रिलीफ। पीप का मतलब होता है टू लुक स्लाइली प्रिंगली, आप झांक करके किसी चीज को देखना, उसको हम कहते हैं पीप। एफुल का मतलब होता है बहुत ही एक्सट्रीमली बैड, अनप्लीजेंट, बहुत ही बुरा, उसको कह सकते हो। और रिलीफ का मतलब होता है जहां पे आपको आराम मिलता हो, राइट, अ मीन्स ऑफ थिंग्स दैट रिलीफ पेन, डिस्ट्रेस फील करते हो आप, बहुत ही सुकून फील करते हो, रिलीफ उसे कहा जाता है। अगर इस कंप्लीट पैसेज को देखें तो आप कह सकते हो कि मैंने उस लड़की से पूछा, क्या तुम कभी झांक कर नहीं देखती। उसने कहा, ओ नहीं, यह धोखा होगा। लेकिन मुझे नहीं पता था कि नेत्रहीन होना इतना भयानक हो सकता है। आप कुछ भी नहीं देख सकते, और आपको लगता है कि हर पल किसी वस्तु से टकराने वाले हैं, बैठ जाने से बहुत राहत मिलती है। और आप, क्या आपके सहायक आपके प्रति उदार हैं। मैंने पूछा कि जो आपके हेल्पर्स हैं वो क्या आपके प्रति उदार हैं। देखिए, इस पैसेज को तो हमने बहुत अच्छी तरीके से समझा, एक एक लाइंस को अच्छी तरीके से हमने एक्सप्लेन किया, बट किस तरीके क्वेश्चन हो सकते हैं। दोज हु हैड बीन ब्लाइंड ऑलरेडी वर द वॉट बेस्ट हेल्पर्स, जो पहले ब्लाइंड थे वो ऑलरेडी बहुत अच्छे हेल्पर्स थे, आप कह सकते हो। इसी तरीके से अगर आप समझने की कोशिश करें, एक फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन, यू फील यू आर गोइंग टू बी, क्या कि हर पल किसी ना किसी चीज से आप टकराने वाले हो। टू बी हिट समथिंग एवरी मोमेंट, राइट, टू बी हिट समथिंग बाय समथिंग एवरी मोमेंट। आपको लगेगा कि हर पल किसी ना किसी चीज से टकराने वाले हैं जब आप ब्लाइंडली नेत्रहीन होने के सफर को जीते हो, राइट। सो आई होप कि ये जो क्वेश्चन है आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ आए होंगे। पैसेज के ऊपर बेस्ड जो भी क्वेश्चन है आपने बहुत अच्छी तरीके से समझा होगा, एक्सप्लेनेशन को समझा होगा, वर्ड मीनिंग्स को समझा होगा। अगर आपको लगता है कि फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन भी पूछ सकते हो। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग अ प्रीसियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।